नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्मार्टफोन्स मार्केट में ओप्पो कंपनी की ओप्पो एफ सीरीज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि दोस्तों ओप्पो कंपनी अपनी एफ सीरीज के अंदर बड़े और अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च करती है। और इसके साथ ही ओप्पो कंपनी के एफ सीरीज के लगभग सभी स्मार्टफोन का लुक और इनका डिजाइन बढ़िया और अच्छा होता है। इनके अंदर आपको बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे डिजाइन वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, ओप्पो कंपनी अपनी एफ सीरीज के हर साल एक या दो स्मार्टफोन को जरूर लॉन्च करती है। तो दोस्तों, अब इसी तरह से ओप्पो कंपनी 2020 की शुरुआत में अपने ओप्पो F15 स्मार्टफोन को लेकर आ रही है, और कंपनी इस स्मार्टफोन को मिड रेंज के अंदर लॉन्च करेगी, जिससे यह स्मार्टफोन मार्केट में वीवो U20, रेडमी नोट 8 और रियलमी 5 प्रो जैसे स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर देगा। तो दोस्तों, कंपनी ने अब इस स्मार्टफोन की लगभग सभी स्पेसिफिकेशन को कन्फर्म कर दिया है। तो दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया अच्छा बजट स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इसी स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, इसके प्राइस और इसके लॉन्चिंग डेट आदि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू। दोस्तों, अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन कुछ दिन पहले ही चाइना में लॉन्च किए गए ओप्पो A91 स्मार्टफोन के जैसा होगा, और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको फीचर्स भी बिल्कुल ओप्पो A91 स्मार्टफोन की जैसे ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.4 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड पंच होल नोच डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ होगी, और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा, और इसकी कोनिंग के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही इस स्मार्टफोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बड़ी और अच्छी क्वालिटी की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो की बड़ी और अच्छी डिस्प्ले होगी, और इसके अंदर आपको दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बिल्कुल छोटी सी यू शेप की नोच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस स्मार्टफोन के वेरिएंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए ओप्पो F15 स्मार्टफोन के वेरिएंट्स की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी मार्केट में 8 GB रैम के साथ लॉन्च कर सकती है, जिसके साथ आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और इसके साथ इसके अंदर आपको दोस्तों माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस स्मार्टफोन के मार्केट में कंपनी और भी वेरियंट लॉन्च कर सकती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए ओप्पो F15 स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इसके बैक पैनल के ऊपर 48 MP, 8 MP, 2 MP और 2 MP का क्वाड रियर कैमरा, जो कि आपको ड्यूअल LED फ्लैश के साथ मिलेगा, और इसके अंदर आपको दोस्तों 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन जैसे कई एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कैमरा के मामले में यह स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बढ़िया और अच्छे कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जिनसे आप बड़ी और अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं और वीडियो शूट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात आती है इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओप्पो कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने स्मार्टफोन के अंदर ज्यादातर मीडियाटेक के प्रोसेसर का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, इस बार भी आपको इस स्मार्टफोन के अंदर ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक हीलियो P70 का चिपसेट देखने को मिलेगा, और यह मोबाइल एंड्रॉइड 9 Pie के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, जो की कलर OS 6.1 के ऊपर चलेगा। और ग्राफिक के लिए दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको माले G72 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी स्नैपड्रैगन का चिपसेट नहीं देगी, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों, यह चिपसेट बड़ी और अच्छा पावरफुल चिपसेट है, जो कि आपको बड़ी और अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए ओप्पो F15 स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी वू फ्लैश चार्जिंग 3.0 सपोर्ट वाली 4025 mAh की पावरफुल बैटरी देगी, जो की 30 W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगी। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक और USB Type-C पोर्ट जैसे पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह स्मार्टफोन बढ़िया और अच्छा स्मार्टफोन होगा, और इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बिल्कुल छोटी सी यू शेप की नोच डिस्प्ले दी गई है, और इसके अंदर आपको दोस्तों बेजल्स भी बिल्कुल पतले दिए गए हैं। बाकी दोस्तों, अगर इस स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए, तो दोस्तों मार्केट में इस स्मार्टफोन की कीमत लगभग 20,000 रुपए के आसपास होने वाली, जिसमें आपको इसका 8 GB रैम का वेरियंट मिल सकता है। बाकी दोस्तों, आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा और आपके अनुसार इस स्मार्टफोन की कीमत कितनी होनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।